बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मेहराज रॉब देख रहे हैं स्टोन मीडिया शोरूम चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पीजी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं सेशन 23 से 25 इसी महीने में आपके सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होना है। एग्जामिनेशन कैलेंडर की हम देखें तो आपका एग्जाम तमाम स्टूडेंट 22 अक्टूबर से देख पा रहे 7 नंबर में दिखेगा तो 23 से 25 MA MSc MCOM सेकेंड सेमेस्टर 22 अक्टूबर से आपके एग्जाम होने वाले हैं और कुछ हद तक कॉलेज लेवल पर तैयारी भी की जा चुकी है। बहुत सारे कॉलेज या डिपार्टमेंट जहां पर एडमिशन है आपका, वहां से जो है कि असाइनमेंट का कॉपी लिखने के लिए क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होइएगा, आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा सेकेंड सेमेस्टर का असाइनमेंट बनाने के लिए। और पीजी में जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर का एग्जाम दिया था, आपको सेकेंड सेमेस्टर में 6 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें से आपका 5 पेपर जो मुख्य पेपर होगा, जो मेन पेपर होगा, और एक एक्स्ट्रा जो कि स्वच्छ भारत था, वैसे ही आपको एक्स्ट्रा पेपर रहेगा सेकेंड सेमेस्टर में। एक्स्ट्रा पेपर आप कौन लेंगे ये जब परीक्षा फॉर्म फिलअप होगा उस वक्त आपसे च्वाइस करवाया जाएगा। आपको पीजी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक चाहिए। देखिए इतने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। यदि आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम बताए, कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना है 50 रुपीज, उसके बाद से देख पर ऊपर लिखा हुआ है 50 रुपीज आपको पे करना है, उसके बाद से क्वेश्चन बैंक आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा सा टफ होता है, इस बात का जो है कि आप लोग ख्याल रखिएगा। तो 22 अक्टूबर से तो है आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम होना, देख पा रहे यहां पर 7 नंबर पॉइंट में 22/10/2024। लेकिन एक बात यह भी है कि दशहरे की छुट्टी विश्वविद्यालय को 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक मिली हुई है। अब 13 अक्टूबर के बाद जो आप देख पा रहे 7 दिन तो उधर बच रहा है और 9 दिन, क्या 9 दिन में बिहार विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा करके एडमिट कार्ड दे करके 22 से एग्जाम शुरू करवाती है या डेट फिर ये और आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे। ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम नवंबर में जाए, लेकिन आप लोग अपडेट रहिएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर में 22 अक्टूबर मेंशन है, कुछ भी हो सकता है। और आप लोग जो है कि तैयारी पीजी वाला शुरू रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा टफ है यदि हम फर्स्ट सेमेस्टर का कंपैरिजन करें तो। इसलिए जो है कि आप लोग, अच्छा क्या पीजी का जो है कि VVI क्वेश्चन रेडी किया जाए, आप लोग यस या नो में जो है कि जवाब दीजिएगा कमेंट में। देखिए पीजी में बहुत कम बच्चा होता है और इतना मेहनत, इतना जो है कि टीचर्स को लगा करके क्वेश्चन सेट वगैरह करवाया जाए, मालूम चला कि समय भी गया, खर्च भी गया और आप लोग लिए भी नहीं, इसलिए जो है कि हर चीज की बर्बादी हो जाती है। इसलिए मैंने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में VVI क्वेश्चन के बारे में मैंने कोई जिक्र वगैरह नहीं किया था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप लोग कहिएगा तो हम जो है कि इंतजाम करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए। और यह भी बात है कि समय जो है कि वह काफी कम है, तो क्वेश्चन बैंक जितना हो अच्छे से पढ़ जाइए, बेटर प्रैक्टिस के लिए काफी फायदेमंद होगा। बाकी देखिए 22 अक्टूबर से जो है कि परीक्षा होती है या नहीं हम आपको बताएंगे। और रहा बात एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का, तो 13 अक्टूबर के बाद जो है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप से संबंधित अपडेट वगैरह आएगी तो हम आपको बताएंगे। और इंटरनल वाला जो असाइनमेंट वगैरह जो कॉलेज में जमा करना पड़ता है, बहुत सारे कॉलेज से जो है कि क्वेश्चन भेज दिए गए हैं छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप ग्रुप में, आप भी जो है कि अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्ट में रहिएगा, क्वेश्चन वहां से आए तो आप लोग असाइनमेंट वगैरह बना करके रेडी रखिएगा। ये बहुत जल्दी हो सकता है कि एग्जाम जो है कि आपका कंडक्ट करवाया जा सके, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी पर सरकार का बहुत प्रेशर है पीजी को लेकर के, पीजी का सेशन एक साल जो है कि लेट चल रहा है बिहार विश्वविद्यालय में। तो बाकी आप लोग अपडेट रहिए, सारी चीजें हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।